हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैंने इसका बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं दूसरी बाइक का जो उसको रेडी कर रहा हूँ, तो आज उस बाइक को खोलेंगे और मैं दिखाता हूँ उसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं। और बने रहना वीडियो और ब्लॉग के एंड तक। और इसके मैं बनाऊँगा ब्लॉग्स जैसे पार्ट बाई पार्ट। आज वाला ब्लॉग होगा इसको खोलने का, उसके बाद के सारे पार्ट्स बाई पार्ट्स डालता जाऊँगा। सो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो इसकी स्टार्टिंग में दिक्कत थी, बाकी तो लगभग ओके है। इंजन का काम इसका पहले हुआ हुआ है, तो अपने इंजन में कोई चेंज नहीं करेंगे। टेस्टर में दिक्कत थी, वो मैंने सही कर दिया। आपको दिखा दूं मैं किस वाले टेस्टर में। इसके यहाँ पे ये जो टेस्टर होता है, इसके नट वगैरह मैंने नहीं लगा दी। और इसके अंदर दिक्कत थी, पहले रिपेयर वगैरह हुआ है तो उनसे सही से नहीं हुआ। इंजन में से आवाज़ आ रही थी, तो इंजन पिस्टन ओके है और इसकी जो खड़खड़ की आवाज़ थी वो टाइमिंग चेंज की थी, तो मैंने टेस्टर इसका ओके कर दिया। और स्टार्टिंग में दिक्कत थी तो कार्बोरेटर में फॉल्ट है, कार्बोरेटर सही नहीं है इसका, बहुत पुराना है। तो अपने कार्बोरेटर इसके साथ का नया ला के लगा देंगे। और मैंने स्टार्ट किया था इससे, बैक स्टार्ट हो रहा है ये, तो स्टार्ट इससे हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि दिक्कत इसके कार्बोरेटर में ही है। स्टार्ट करके दिखा दूँ मैं आपको। स्टार्ट ये हो रहा है, बिल्कुल ओके है, स्टार्ट ये हो रहा है। स्मोक वगैरह कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसकी जो मेन फॉल्ट है वो कार्बोरेटर में ही है, कार्बोरेटर अपन चेंज कर देंगे। और बाकी अपने खोल के पेंट और टायर वगैरह फुल एंड टू एंड वीडियो डालूंगा मैं इसकी। टायर वगैरह पहले बहुत कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैं अपने वाली बाइक के पहली बार मैंने रीबिल्ड किया था, तो मॉडिफिकेशन किया था, तो मेरे को इतना वीडियो बनाने का नहीं पता था। और अब थोड़ी सी नॉलेज है, तो अपने इसकी भी अच्छे से एक एक पॉइंट की वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो आएगी पार्ट्स में, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तो अपने सारों में उसमें टायर का। फिलहाल तो इस वाले पार्ट में ही तो अपने वैसे इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे और आपको बताऊंगा मैं कौन सा सामान लाना है, कौन सा पेंट होगा। टायर अपने इसके मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। टायर दोनों अपने वाले के साथ के 100 वाले, पर इसमें अपने इसका जो डिजाइन है वो चेंज करेंगे, साइज सेम ही रखेंगे, 100, 90, 18, 100, 90, 18। और इसमें अपने वो जो स्प्लेंडर में चल रहे हैं आजकल वो वाले डालेंगे। और इसके जो ये वाले पेडल्स हैं ये इसमें नहीं करने, इसमें नॉर्मल पेडल्स रखने हैं, सिर्फ वैसे लुक वगैरह अपनी कैफ्रेसर की देनी है। और जो पेडल है ये अपने वाले के लिए स्पेशली अपने किए थे, तो इसमें ये किसी भाई का है, तो वो कहता है इसमें ये वाले नहीं करना, इसमें थोड़ी सी चलाने की दिक्कत आती है, तो बाकी सेम ही करना है, पेडल्स नहीं चेंज करने, बैक वगैरह सारी वैसे ही। और इस वाले में अपने में इंडिकेटर्स नहीं लगाए हुए, अपने में इसके अंदर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। और इसमें अपने इसके मतलब पीछे से बैक अच्छा बनाएंगे। इंडिकेटर्स मैं ले आया था, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कौन से हैं। और आगे से मडगार्ड उतार देंगे, टैंक अपना जैसे अपने उसको ऊपर किया हुआ है वो कर देंगे। मतलब इसकी हाइट अब उससे लगभग मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब आपको बता दूँ मैं, इसकी हाइट कम से कम 4 इंच का फ़र्क है हाइट का। 2 इंच तो इसके टायरों से ही उठ जाएगी, जो अपने टायर बड़े डालेंगे 2-2 इंच तो टायरों से उठ जाएगी, 2-3 इंच अपने टैंक ऊपर कर देंगे तो उसके बराबर हाइट आ जाएगी। अगर आप इसकी बात करो तो अपने ये तो बहुत ऊंचा है, लगभग अपने यहाँ तक आ जाता है, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। इसकी हाइट तो रहेगी यहाँ तक, वो यहाँ तक आता है, ये यहाँ तक, मतलब 4 इंच का फ़र्क है। तो टायरों से उठ जाएगी, टैंक अपने ऊंचा कर देंगे, तो एग्जॉस्ट अपना RX 100 वाले लगाएंगे, कलर वगैरह सेम, उसी तरह का फिल्टर, सारा कुछ A to Z सेम, फुटरेस्ट छोड़ के एंड टू एंड वीडियो बनाएंगे। जो भी मेरे भाई कह रहे थे कि टायर की वीडियो, लाइट कौन सी है, क्या कौन सा है, तो इस वाले में सब कुछ अपना कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेम ही होगा बिल्कुल अपने वाले का सेम, तो आपको एक भी पॉइंट की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अपना पार्ट वन यही है, इसको खोलेंगे, खोलने का ये वाला पार्ट, सारी चीज़ें इसको खोल के डिसमेंटल करके फिर एक एक चीज़ अच्छे से बनाऊँगा मैं, शॉर्ट्स भी डालूँगा और अपने इसके भी वीडियो रेगुलर आएगी। तो खोल लूँ मैं से, आगे वाला दिखाता हूँ मैं आपको, सारा एक बार दिखा दूँ आपको किस तरह की लुक है इसकी। सिंपल ऐसी लुक है, इसको टोटल करके अपने दिखाएंगे। इसका टैंक सीट वगैरह उतार ली है, पीछे से टेल भी उतार ली है, तो यहीं पे अपने इसका मेन जो बैक बनाएंगे, इसको यहाँ से कट करके दोनों साइड से, यहाँ से इधर से, यहाँ पे एक अपने वो
राउंड पाइप के फिर ऐसे टाइप ये वाला फ्रेम है जो ये उतार देंगे, ये यहाँ से कट करके इसको निकाल देंगे। मतलब यहाँ पे जो अपनी सीट बनेगी वो फ्लैट बनेगी बिल्कुल अपने, उससे जो लकड़ी का बोर्ड होता है जो प्लेन प्लाई बोलते हैं जैसे, उससे अपना स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ से पीछे से यहाँ से गोल होगा और बैक अपने नंबर प्लेट वगैरह वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा बना के। यहाँ से बस मतलब जहाँ से ये राउंड पाइप स्टार्ट हो रही है यहाँ से इसको कट कर लेंगे, यहाँ से इधर वाला यहाँ से कट कर लेंगे, चलो यहाँ यहाँ तक से। फिर यहाँ पे एक राउंड पाइप गोल पीछे से वो अपना कैफेरेसर वाला पैक बनाएंगे और आगे से भी मैं खोल रहा हूँ, साइड से पैनल वगैरह खोल दिए हैं। कार्बोरेटर मैंने एक और दूसरा लगाया था स्टार्ट करने के लिए तो हो रहा है, अच्छा स्टार्ट हो रहा है। और बस ये वायरिंग है इसकी, इसमें बैटरी वाला सिस्टम भी लगाना है, बैटरी इसमें होती नहीं तो उसकी भी वायरिंग वगैरह बनाऊँगा, या तो वायरिंग ही चेंज करेंगे ऐसे के अंदर ही, शायद ये पहले किसी ने ढूंढ के लगाई हुई है वायरें, बैटरी की है शायद ही, इसके अंदर जुगाड़ करके कोई बना रखा है, पर अपने अपने हिसाब से देखेंगे दोबारा। इंजन वगैरह ठीक है, चैन सेट भी ठीक है, टायर भी पिछला नया ही है पर इसको निकाल के सो वाले अपने दोनों डालेंगे और साइड से आप ऐसा देख लो जैसा है, बैक से भी आपको बता दिया। बस अपना मेन पॉइंट ही अपने पीछे से ये वाला कट करना है, ये वाला पीछे से राउंड करना है पाइप लगा के, और यहाँ पे अपना टैंक का करना है ऊपर, थोड़े से टैंक पीछे आएगी यहाँ पे, वो स्पोर्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने वाले में दिखाई थी तो वैसे इसको यहाँ से करेंगे इधर से भी, और इधर से भी यहाँ पे पाइप लगा के इसको यहाँ पे ऊंचा करेंगे टैंक को। आगे मैं खोल लूँ, आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और इतना और ये ग्रिल्स वगैरह और सीट वगैरह ये पीछे का है, टैंक है ये उतार दिया, वायरिंग वगैरह भी देखेंगे, नहीं तो फिर इसको ही रिपेयर करेंगे, अपने देखेंगे बजट के हिसाब से कैसा कुछ बैठता है, अगर बाइक पे मतलब एडजस्ट हो गए अपना 20 का एस्टिमेट है सारा, 20 के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है, अगर ज़्यादा हो तो अगर अपना अगर लग रहा है भी अपने भी चल जाएगा हम तो फिर तो वायरिंग डालेंगे, नहीं तो वायरिंग नहीं डालेंगे। सारा अपना सामान हल्का हल्का मोटा मोटा खोल लिया है और एक बार वॉश कर लिया है ताकि जो हाथ वगैरह गंदे ना हो, ज़्यादा रेत थे पहले, इसमें रेत ज़्यादा भरा हुआ था, मोटा मोटा जो रेत उतर गया और फिर एक बार इसको अच्छे से और धोएंगे सारी खोल के, एक बार मोटी मोटी खोल दिए ताकि आसानी हो जाए, हाथ वगैरह गंदे ना हो और नट बोल्ट वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पानी लग जाए और साफ़ हो जाए, खोलने में आसानी हो जाएगी। तो हल्का सा वॉश कर लिया है अब आगे का, और मैं इसे खोलता हूँ, फ़िलहाल इतना का कर लिया है। सो ये एक हैंडल का जो पाइप होता है चुना हुआ वाला हैंडल होता है, तो उसका एक पाइप काट लिया मैंने, जो यहाँ पे रबर्स लगे होते हैं ये इस पर फिक्स आ रहे हैं, और यहाँ पे इतनी सी जगह छोड़ के लगभग 3 इंच की जगह छोड़ के यहाँ पे अपने इसको सेंटर में करके वेल्ड करेंगे, और इधर इतना ऊँचा, इससे ये टैंक हो जाएगा ये वाला अपना, थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ तक और थोड़ा सा उससे पीछे। तो पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, पूरी डिटेल में वो वाली वीडियो है, नहीं तो ये एक बस इतना सा ही काम है अपने को, ये वाली चीज़ यहाँ पे वेल्ड करनी है बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के बिल्कुल सीधी, और यहाँ पे एक पत्ती पीछे वेल्ड करनी पड़ेगी। एक बार मैं ये वाली कर लूँ फिर मैं आपको आगे का और दिखा दूँगा, बस इतना सा ही काम है यहाँ तक, फिर अपने पीछे से कट करेंगे और सीट वगैरह अपने से वाले से थोड़ी सी लंबी रखनी है इसकी, तो वो वाली चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, ये वाला करके वेल्ड आपको दिखा दूँगा। कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, मैंने एक बार टेम्परेरी रखा है उसके ऊपर, और बड़े बड़े की जैसे लुक आने लगी इसकी भी, टैंक कुछ फुल हाइट बाइक की अप हो गई है, तो अकेले टैंक से ही इतना डिफरेंस दिखने लग जाता है, हैवी से आई थी बाइक थोड़ी सी और टायर डल गए तो पूरा मस्कुलर सा लगेगा। पीछे से भी कुछ ऐसा लुक आ रहा है ऊपर से, ये मैंने एक बार यहाँ पे फिक्स कर लिया है, यहाँ पे अपने वो अपने सीट वगैरह का जो मेजरमेंट लेंगे और लेंथ देखेंगे सीट की कितनी ज़्यादा है कितनी लंबी रखनी है, तो इसके लिए मैंने एक बार टेम्परेरी ये फिक्स किया है। अपने एक बार वेल्ड शेल्ड वाला काम पहले करेंगे, टायर वगैरह फिक्स अंदर सारा खोलेंगे बाद में, अब इसमें एक बार बनाना आसान हो जाता थोड़ा सा, अंदाजा हो जाता है कि यहाँ तक बन जाएगा, तो उसके बाद एक बार बना के वेल्ड करके फिर सारे को खोल देंगे, फिर दोबारा नहीं अपने को खोलना पड़ता, मतलब एक बार पहले सारे को खोल लेंगे फिर सेट करके दोबारा लगाएंगे तो वापस बार बार से नहीं खोलना पड़ता, पहले ही बना लेंगे फिर सारी को पेंट कर लेंगे फिर टायर वगैरह अपनी फिटिंग कर लेंगे।
आगे कमर कट कर रहे हैं, मैं खोल दूँ और इसके बाद ये वाला काम करेंगे वेल्ड शेल्ड वाला। सो इंजन भी उतार लिया है, उतार के अपने यहाँ रख दिया और चैन वगैरह सारा उधर से उतार दिया। और अब बारी है आगे की चीज़ों की, ये भी उतार दें फटाफट, सारी चीज़ को अपने उतार दें, फिर टायर को इसके अंदर रखेंगे, फिर वो पीछे वाला फ्रेम बनाएंगे टायर के सेंटर को देख के। बस तो अपना पीछे का मेन पॉइंट बस टायर का ही है, उससे जो पैक बनाएंगे वो उसके टायर से, और आगे टैंक लगा के वो चीज़ अपने कर ही ली है, आपको मैंने पाइप दिखा दी। और इसके बाद सिर्फ इस चीज़ का काम करना है, इसको खोल लूँ, दोनों ड्रम वगैरह देख लेंगे चेंज होने वाले हैं या यही काम दे देंगे, बैरिंग चेंज होंगे, पीछे ख़त्म है तीनों बैरिंग, आगे वाले बैरिंग देखते हैं खोल के, पीछे वाले तो हिल रहे हैं बहुत गंदे तरीके से, आगे वाले भी देखते हैं। तो सारी चेसी वगैरह अपने खोल ली है और थोड़ा बहुत सामान मैं ले आया हूँ, टायर अपने वो पड़े टायर भी लाने थे, टायर लाने रह गए, और ये इसके साइड वाले पैनल दोनों वो पड़े डब्बे में, थोड़ा बहुत सामान इसमें वो मैं सारा आपको दिखा दूँगा। और इसका मेन काम इसका नीचे स्टैंड से शुरू करेंगे, ये जो इसकी पत्ती है नीचे वाली ये टूटी हुई है, ये वाले अपनी नई लगाएंगे पत्ती, पत्ती ये रही। तो ये वाली इसकी नीचे की पत्ती नई, और ये यहाँ से लगाएंगे, स्टैंड अपना चेंज करेंगे, स्टैंड वगैरह मैं ले आया हूँ सारा, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले इसको काट के उखाड़ के ये अपनी ये वाली पत्ती लगाएंगे, फिर आगे का सारा अपने चालू करेंगे ये, इसके बाद फिर वो पीछे से कटिंग करेंगे, मतलब एक बार नीचे से अपना सारा काम ख़त्म कर लें फिर अपने ऊपर की तरफ सारा से चलते जाएंगे, और सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। तो मैं ये काम कर दूँ इसका, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। सो ये ब्लॉग तो यहीं तक, अगले ब्लॉग में मैं इसकी कटिंग वगैरह करूँगा, जैसे आपको बता ही दिया नीचे कोई पत्ती वगैरह वो करूँगा, और उसके बाद पेंट, तो सारे पार्ट बाय पार्ट मैं डालूँगा। तो ये ब्लॉग था यहीं तक, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।